नवरात्रि की धूम देश सहित छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में भी देखने को मिल रही है। यहाँ बड़े बड़े पंडालों में मां दुर्गा को विराजित कर उनकी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जा रही है। साथ ही अलग अलग थीम पर लोगों को संदेश भी दिया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। नशा नाश की जड़ है, इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए भिलाई स्थित लाल मैदान में जहां दुर्गोत्सव का जो पूरे देश में शारदीय नवरात्रि की धूम है उसको लेकर के यहाँ एक कॉन्सेप्ट लेते हुए पंडाल बनाया गया है, जिसमें लगभग 25,000 शराब की बोतलों को धो करके यहाँ पे एक पंडाल तैयार किया गया और लोगों को एक मैसेज दिया जा रहा है कि लोग नशा जिस तरीके से समाज में और परिवार में घर कर चुका है और कई घर और कई परिवार समाज बर्बाद हो चुके हैं, उसी के खिलाफ एक मुहिम को छेड़ते हुए एक पंडाल तैयार किया गया है जो कि भिलाई के लाल मैदान छावनी से तैयार किया गया है। इसके लिए स्पेशल कारीगर बुलाए गए हैं। कैसे पंडाल तैयार हुआ, किसका कॉन्सेप्ट, इन सब बातों को लेकर के समिति के जो महामंत्री हैं उनको लेकर के इंडिया न्यूज ने खास बातचीत की। इस वक्त हमारे साथ हैं लाल मैदान छावनी स्थित जो भव्य पंडाल बना है, जिसमें कि 25,000 से ज़्यादा शराब की बोतलों को धोकर के साफ करके ये पंडाल बनाया गया। जैसे कि आप लोगों के तंबाकू के पैकेट भी हैं जो लोगों को नशे से दूर रहने का पूरा एक मैसेज दे रहे हैं। और इस समिति के हमारे साथ महामंत्री विजय सिंह जी है जो इस बारे में पूरी जानकारी देंगे। इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से और कैसे इसकी तैयारी हुई? सबसे पहले सभी को जय माता दी, नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये कॉन्सेप्ट हम लोग के पास में लगभग 2019 में ये आया था और नवरात्रि का पर्व पूरे देश में सभी लोग मनाते हैं, हम भी पहले मनाते थे। उत्सव के रूप में हम सभी अच्छे से पूजा पाठ आराधना करते थे, लेकिन हमारी समिति ने विचार किया कि सभी लोग पूजा पाठ करते हैं, हम लोग भी करते हैं, क्यों ना हम लोग कोई ऐसा काम करें जिससे समाज में एक मैसेज जाए। हमारे पास अवसर भी है और मंच भी है, हमने उसका फ़ायदा उठाया और अपनी समिति के द्वारा विचार विमर्श करने के बाद में 2019 में देश में विलुप्त हो रही माटी कला को पुनर्जीवित करने के लिए, उसके उत्थान के लिए हमने मिट्टी से निर्मित वस्तुओं से जैसे दिया, कुल्हड़, गिलास, खप्पर, मटका, इन सब चीज़ों से एक मटके का पंडाल बनाया था। उसी को ध्यान में रखते हुए इस बार उसी समय से हम लोगों ने विचार किया कि क्यों देश में इस समय बड़े तेज़ी से नशे का प्रचलन बढ़ा है, खास करके युवा वर्ग में, और ये हम सब के लिए बहुत ही चिंतनीय विषय है। उसको ध्यान में रखते हुए हमने एक नशा मुक्ति एंटी ड्रग्स का थीम जो है तैयार किया और आज आप देख रहे हैं आपके सामने जो पंडाल बना है। नशा